गुड मॉर्निंग राजा जी, सभी को कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि कल है शर्तिला एकादशी, तो आज 6 फरवरी है और आज है शर्तिला एकादशी। तो आज हमने रखा है व्रत, सुबह के बज रहे हैं 6:30। और उठ तो हम काफ़ी टाइम पहले गए थे क्योंकि तैयारी पहले से करनी होती है, घर साफ करना होता है, सारे सब लोग घर के जो व्रत रखेंगे वो नहाएंगे, मतलब बच्चे और मेरी सासू माँ। तो हम नहा लिए हैं सब, और मैं अभी यहाँ पे बच्चों को नहलाऊंगी, बच्चे यहाँ पे सोए हुए हैं, इनको उठाऊंगी। देखो यहाँ पे ना मैंने अभी सब सामान रेडी कर लिया है, ये देखो इनके लिए नहलाने के लिए कपड़े, सामान, गर्म पानी, सब जो भी सामान चाहिएगा ना वो यहाँ पे रख लिया है लाके, और इनको बच्चों को नहलाऊंगी। अब के दिन में बच्चों को वैसे तो मैं लेट नहलाती हूँ, 8 बजे के आसपास नहलाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको ठंड लग रही होगी। लेकिन आज क्या है, बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चों की पूजा होनी जरूरी है, पूजा तभी पूरी होगी जब हम इनको नहला देंगे, इनको स्नान करा देंगे और ये लोग पूजा में बैठेंगे, तभी जाके पूजा पूरी होती है। तो इसलिए आज बच्चों को जल्दी नहला दी हूँ। लेकिन आज इतनी ठंड भी नहीं है, ऐसी कोई बोला कि भाई ठंड ज़्यादा है, ठंड कम है, मौसम थोड़ा थोड़ा साफ होने लग गया है, दिन में थोड़ी धूप निकलती है और रात में सर्दी होती है। तो ये है, अभी बच्चों को नहला देंगे, उसके बाद फिर पूजा करेंगे। पूजा कर ली है और अभी मैं आई हूँ किचन में, यहाँ बनाऊंगी बच्चों के लिए भोग, क्योंकि हम तो इस टाइम कुछ नहीं लेंगे, हम लेंगे शाम को 4 से 5 बजे के बीच, जो भी फल फ्रूट हमें खाने होंगे वो 4 से 5 के बीच में हम लेते हैं। इस टाइम शाम तक सिर्फ हम पानी पी सकते हैं 1-2 बार, बाकी कुछ नहीं ले सकते। पे दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, भोग लगाने के लिए। और एक दिन में ना ये पूरा रूटीन शेयर करूंगी। देखो जब पूजा करते हैं सुबह उठकर, इतना सब काम होता है ना, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है ना, तो पूरा फुल हर चीज़ की क्लिप्स नहीं ले पाते। ऐसे मैं किसी दिन फुल रूटीन शेयर करूंगी कि कैसे हम पूजा पाठ करते हैं या कैसे मैं घर को मैनेज करती हूँ, साथ में गोपाल जी की जो सेवा करते हैं वो कैसे मैनेज करती हूँ मैं, वो किसी दिन किसी वीडियो में मैं शेयर करूंगी। फिलहाल तो ना जब पूजा करते हैं, घर के काम भी होते हैं और साथ में वीडियो बनाना ना पॉसिबल नहीं हो पाता हर चीज़ का, हर चीज़ की मतलब वीडियो में 4-5 मिनट की वीडियो में क्या ही आपको पूरे दिन का रूटीन दिखा सकते हैं। लेकिन किसी दिन प्रॉपर मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि कैसे पूरा दिन मैं मैनेज करती हूँ इस चीज़ को। तो को सब्सक्राइब करके रखना, जब भी मैं आपको वीडियो ये बनाऊंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका। कितने सारे कबूतर ना दाने का वेट कर रहे हैं देखो, और लेकिन दाना इनको आज दे नहीं सकते क्योंकि चावल खाते हैं ये, चावल इनको दे नहीं सकते, गेहूँ ये खाते नहीं है, इनको ना गेहूँ का डाल दे तो यूँ ही पड़े रहे हैं वे गेहूँ। और आज के दिन एकादशी के दिन ना तो हम चावल खा सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। अभी प्रॉब्लम है, मैं सोच रही हूँ इनको रोटी गेर दूँ, खाएंगे या नहीं खाएंगे पता नहीं इनका, देख रही हूँ। अभी बच्चे रेडी हो गए हैं स्कूल के लिए, देखो कितने सारे ये वेट कर रहे हैं चावल का, मुझे अच्छा नहीं लगता ये ना भूखे देख के, रोटी गेरूँगी इनके, शायद रोटी खा ले मैं ये। सबने पूजा कर ली है साथ में और अब ये हो रहे हैं रेडी जाने के लिए, वो 10-5 मिनट बची हैं जाने के इनके, मैं तब तक काम करती हूँ। और वंशु कर रहा है यहाँ पे पानी गर्म, क्या करेगा वंशु पानी का इसका? अपनी बोतल में लगा लूंगा, बोतल में गर्म पानी लेके जाएगा। चल ठीक है कर ले, मैं खाल दूंगी ना, भूख मत करिए, हाथ थक जाएगा तेरा। कबूतर वेट कर रहे हैं वंशु बहुत सारे, दाना गए तो दाना ना गिर सकते ना, चावल बहुत सारे बैठे हैं, गेहूं ना गिर सकते, गेहूं वो खाते ही ना। एक बार तो वंशु ला कर देनी थोड़े से गेहूं, गिर के देख लूं एक बार, क्या पता खा ले मैं उबले हुए आलू। हाँ खाने के ना वो चावल ही खाओ, है चावल खाओ है बस। यहाँ पे रोटियां तोड़ के डाल दी थी ताकि ये कुछ खा पाए, भूख के ना रहे, लेकिन कुछ पक्षी इनमें से रोटी खा लेते हैं और कुछ नहीं खाते। तो मेरा मन खराब हुए जा रहा था बार बार कि इनको कुछ तो दूं खाने के लिए, क्योंकि मन में रहता है ना कि ये भूखे होंगे मेरी वजह से, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा व्रत है। तो अब तो मुझे वैसे भी लग रहा था कि मैं किस चीज़ का व्रत रख रही हूँ कि पक्षी ये मेरे बिना भूखे बैठे हैं, मतलब मेरी वजह से भूखे बैठे हैं, तो कुछ तो मुझे करना चाहिए। फिर यहाँ पे गेहूँ कूटे उनको इनके लिए दिया था। यहाँ पे खुशी दिखा रही है अपनी ड्राइंग, बोल रही थी कि मम्मी कैसी लग रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आई बच्चों के लिए, मैंने फटाफट रोटियाँ पैक करनी थी टिफ़िन में उनके, उनको लेट हो रहा था पक्षियों की वजह से ना, मैं परेशान होकर लेट हो गई थोड़ी सी, रोटी तो फटाफट कर रही थी यहाँ पे, बाकी फटाफट मैं कर भी रही थी। और आप जो देख रहे हैं हाथ फटाफट चलते हुए, ये कोई मैं इतनी स्पीड में नहीं कर रही हूँ, ये वीडियो की जो थोड़ी सी लेंथ बड़ी हो जाती है ना तो उसको फिर स्पीड में कर देते हैं 2x 3x, तो वो पूरा ऐसा लंबा वीडियो नहीं होता है, आप बोर भी नहीं होंगे देखते हुए फिर, इसलिए।
बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से आलू उबाले थे सभी के लिए, सब्जी बनाने के लिए, मतलब कि भोग वाली सब्जी होती है ना, व्रत वाली, वो बनाने के लिए। इसमें सिर्फ हरी मिर्च और धनिया डालते हैं। बहुत से लोग अदरक यूज करते हैं, लेकिन मैं व्रत में अदरक भी यूज नहीं करती, बोलते हैं कि तामसिक भोजन होता है, तो इसलिए। बस मैंने यहाँ पे मिक्सी की गिलास में थोड़ी सी मिर्च और धनिया पीस लिए, उन्हीं को यहाँ पे छोक लगा दूंगी जीरे और धनिया के साथ। बस उसमें फिर आलू फ्राई कर लेंगे। थोड़े से आलू ना पतले कर लिए थे, ताकि ना, क्योंकि आलू छाए के साथ खाते हैं। कुट्टू के आटे की पकौड़ी या रोटियां मुझे खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि कुट्टू का आटा ना थोड़ा सा गर्म होता है तासीर उसकी, इसलिए। और व्रत है ना, व्रत ही होना चाहिए। व्रत में ये नहीं होना चाहिए कि हम ये भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं। मुश्किल से हफ्ते में एक दिन तो खाली पेट रहते हैं, उससे सिस्टम भी ठीक होता है हमारे पेट का। तो इसलिए व्रत को व्रत ही रखना चाहिए हमें। कम से कम खाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए भोग की थाली तैयार कर रही थी, पहले उनको खिला दूंगी ना, फिर हम इसको खा लेंगे। पता है क्या, जो भी खाना हम भोग लगा कर खाते हैं ना, वो खाना नहीं रहता, फिर वो प्रसाद बन जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए पूरा दिन, कि हम अगर पानी भी पी रहे हैं ना, तो वो भी हमें प्रभु को भोग लगाकर तब खाना चाहिए। तो फिर वो खाना नहीं होता, उसके गुण बढ़ जाते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। और मैं ये कोशिश पूरा दिन करती हूँ। मैं बच्चों को जो भी, मतलब बाहर से भी कोई खाने लायक सामान होता है, हाल तो हम ऐसी कोई चीज़ मंगाते ही नहीं है घर में कि जो हम प्रभु को भोग ना लगा सके। तो यहाँ पे भोग की ताली तैयार है। और फिर यहाँ पे इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, इनको फटाफट साफ़ कर रही हूँ। इतनी बड़ी सिंक है, फिर भी फुल भर जाती है, क्योंकि बर्तन ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, दूध के, चाय के, चाय के बाल्टियाँ होती हैं, भगोने होते हैं। जब घर में दूध छाए हो रहे होते हैं ना, तो बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे होते हैं। अगर नहीं हो रहे होते हैं ना दूध छाए घर में, तो बर्तन भी बहुत कम होते हैं, बस रोटी सब्जी फटाफट 10-5 बर्तन होते हैं मान लो। लेकिन अभी ना बहुत सारे बर्तन होते हैं, और मुझसे ऐसे नहीं होता कि कम बर्तनों में काम कर लो, कि एक दो बर्तन वही धोया वही कर लिया, मुझसे नहीं होता ऐसा। से मेरे को प्रॉपर सारी सफाई चाहिए होती है, ताकि बर्तन सब इकट्ठे कितने भी हो जाएं मान लूंगी, लेकिन सब चीज़ साफ सफाई से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बर्तन में सब कुछ कर लिया, मुझसे नहीं होता। बहुत सी लेडीज कर लेती हैं, उनका हुनर होता है, मुझ में तो ये नहीं है ये टैलेंट। मैंने तो ऐसी लेडीज़ भी देखी हैं जो एक ही बाल्टी में पूरी परिवार के कपड़े भी धो देती हैं। मैं तो हैरान होती हूँ देखकर, कैसे कर लेती हूँ ये सब। के 1 बज रहे हैं और सब काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं। खाना बना के बच्चों के लिए रख दिया है, शाम को वो आएंगे 3 बजे स्कूल से, तो वो खा लेंगे। अभी थोड़ी देर मुझे भी धूप में बैठना है। सुबह से ना खड़े खड़े काम करती हूँ सारे, तो पैरों में दर्द होने लगता है। तो अभी थोड़ी देर मैं भी यहाँ पर धूप में बैठूँगी, बालकनी साइड आई हूँ यहाँ पर। और देखो बच्चे भी यहाँ पर बैठा रखे हैं पहले से धूप में। और मैं भी थोड़ा देर इनके पास यहीं बैठूंगी, और यहीं धूप खाते हुए धूप में बैठकर यहीं थोड़ा सा नाम जाप कर लूँगी, क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं है। अभी यहाँ पे बैठ के नाम जाप कर लूँगी, फिर उसके बाद ना सूट कट के करके जो रखा हुआ था मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, उसको सिल तो लिया है लेकिन उसकी स्लीव्स नहीं लगी है अभी, और उसकी पैंट बनानी बाकी है। फिर उसको करूँगी, थोड़ा सा रिलैक्स करने की बात करूँगी। और मैं रिलैक्स कर ही रही थी, तभी मुझे पता चला कि हस्बैंड कहीं पे बिजी हैं, वो नहीं आ पाएंगे। वैसे तो वही करते हैं सब काम, मुझे तो कभी कभी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर पाती, लेकिन मुझे कभी कभी करना पड़ता है जब वो नहीं होते हैं या वो बीमार होते हैं, बाकी नहीं तो वही करते हैं सब काम। तो मुझे यहाँ सासू माँ की हेल्प करनी थी पशुओं को चारा डालने के लिए।
बात इतनी सी, ख्वाब शीश के दुनिया पत्थर की, जिंदगी हमको किस मोड़ पे आई, जिंदगी हमको किस मोड़ पे ले आई, साए गहरे थे और रोशनी हल्की, हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया बंदर की, हम न समझे थे बात इतनी सी। ऐसा ऐसा सीधा मुझे दस्ता सीधा। यहाँ किचन में काम करते हुए थोड़ी सी मस्ती कर रही थी बच्चों के साथ। बच्चे इस टाइम मेरे पास ही रहते हैं किचन में, और वो वहीं पे हम बातें करते रहते हैं एक साथ बैठकर। इसी टाइम हमें टाइम मिलता है, वो स्कूल जाते हैं, मैं घर के काम करती हूँ, तो इस टाइम हम एक साथ बैठते हैं। तो ये बस यहाँ पर चल रहा था। आई होप मेरे व्लॉग आपको पसंद आते होंगे। प्लीज़ पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कड़वा।